मामला जिला झांसी के गरौठा विधानसभा का है, जहां पर भसने से गरौठा के लिए कुछ महीने पहले 13 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग की मेहरबानी से हुआ था, परंतु सड़क की गुणवत्ता की जितनी तारीफ की जाए वह कम है, क्योंकि महज 3-4 महीने में ही पूरी सड़क भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ गई। रोड पर डामरीकरण का नामो निशान नहीं है, केवल सूखी गिट्टी नजर आ रही है। इस सड़क के अंतर्गत आने वाले 14 गांव के लोगों ने सोचा था कि हमारे भाग्य खुल गए हैं, जो कई वर्षों से खराब पड़ी सड़क योगी सरकार के कार्यकाल में बन गई है और अस्पताल तहसील आने जाने के लिए अच्छी सुविधा मुहैया हो गई है, परंतु कुछ महीने बाद गांव की जनता अपने आप को ठेकेदार एवं पीडब्ल्यूडी विभाग के कारनामों से ठगा सा महसूस करने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब देखना यह है कि जहां एक ओर योगी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है, फिर भी कुछ भ्रष्ट ठेकेदार और अधिकारी भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे हैं। इन पर कार्यवाही होगी कि नहीं, और होगी तो कब होगी, यह एक बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? हमारा राजीव कुमार पाठक। अच्छा, क्या प्रधान प्रतिनिधि हैं आप? जी जी सर। किस गांव के? ग्राम पंचायत आमली। अच्छा, ये रोड बना था अभी भसने रोड से गरौठा तक के लिए लगभग 13 किलोमीटर का। जी जी। ये कब बना था और इसकी वर्तमान में क्या स्थिति है? महोदय, रोड डाला जो ठेकेदार द्वारा, तो इसमें खेतों से मिट्टी उठा के और डाल दिया गया है। मुरम तो यहाँ दर्शन के लिए भी नहीं डाली गई, एक आध पिर यही डाली गई। और गिट्टी ऐसे बिछा बिछू के लीपा पोती करके ठेकेदार ने अपना काम किया और भाग गया। तो अभी रोड की स्थिति वर्तमान में क्या हो गई है? पूरा खुद के फेंक गया है, निकलने लायक नहीं है। बिल्कुल नहीं है महोदय, मैंने योगी की हेल्पलाइन पे भी शिकायत की थी। हाँ। फिर भी उसमें कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ से लोग बीमार होते हैं, एम्बुलेंस वगैरह आने में बड़ी समस्या होती होगी फिर? बिल्कुल साहब, बड़ी कठिनाई होती है। जहाँ 10 मिनट का रास्ता है वहाँ 2-2 घंटे में पहुँच पाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका शुभ नाम क्या है? अशोक प्रधान, सिरवा। अच्छा, सिरवा के निवासी हैं आप। तहसील कौन सी पड़ जाती है? ये आपका भसने से गरौठा तक जो 13 किलोमीटर का रोड बना हुआ है, ये कितने दिन पहले बना है और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है? जी, मई में बना है, जुलाई में उखड़ गया। अच्छा, क्या है, पूरे गड्ढे वगैरह क्या? बहुत भारी गड्ढे हैं, 2-2 दुर्घटना हुई जिसमें मौतें भी हो गई। हाँ। और ठेकेदार ने मतलब कुछ भी नहीं उसमें डाला, और 2 महीने बाद उखड़ गया। लग मानक के अनुरूप नहीं बना है क्या? नहीं बना है, और हमने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की। हाँ। उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। मेरे पास फोन आया था। हाँ। तो उन्होंने कहा आप इससे संतुष्ट हैं, वो काम लगवा देंगे। हमने कि वो काम लगवा देंगे तब हम संतुष्ट होंगे, लेकिन काम कायदे से कराए, मानक पूरे करें। कितने गांव पड़ जाते हैं हमारे यहाँ? लगभग 14 गाँव। 14 गाँव को जोड़ने वाली सड़क है, सड़क से जुड़े भाई गाँव। वर्तमान में आप क्या चाहते हैं? वर्तमान हम चाहते हैं कि हमारी सड़क अच्छी तरीके से बनवाई जाए। आपका शुभ नाम क्या है? नूरज सिंह पटेल। अच्छा, कहाँ के निवासी? ग्राम सिरवो। आप पूर्व प्रधान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो सड़क बनी है भसने से गरौठा के, कितने दिन पहले बनी थी और इसकी क्या स्थिति है? ये 4 महीने पहले बनी थी। हाँ। बस उखड़ गई है सरकार पर, रास्ता बिल्कुल उखड़ गई है। 4 महीने के अंदर ट्रकों ने पूरी उखाड़ दी और मानक के अनुरूप बनी ही नहीं है बिल्कुल। क्या क्या कमी आपके हिसाब से क्या कमियां रही हैं इसमें? वैसे इसमें नीचे जो गिरती है, जो ये सोलम गिरती है। हाँ। जी बिल्कुल कम मात्रा में पड़ी थी। हाँ। और इस पे जो रोलर चलना था वो बिल्कुल कम मात्रा में, कम समय रोलर चला है इस पे। हाँ। इस वजह से जो उखड़ गई है पूरी सड़क, सड़क डामर तो बिल्कुल डला ही नहीं है। पूरी की पूरी सड़क 2 महीने के अंदर बिल्कुल उखड़ के फूट चुकी है। इसमें कौन दोषी है? इसमें ठेकेदार दोषी है, मानक के अनुरूप बनाई नहीं है इन्होंने सड़क। अच्छा, इस संबंध में भी कोई शिकायत की है कि यहाँ सारे लोगों ने की? यहाँ 12 गांव के सारे लोगों ने की है, हमारे प्रधान लोगों ने जो वर्तमान में उन्होंने की है, हम लोगों ने भी की है। इस सड़क पे लगभग कितने गांव अटैच हैं? इस सड़क पे हैंगे 14 गांव। 14 गांव अटैच है, तो आप क्या चाहते हैं इसको? इसको अच्छी तरीके से दोबारा बनाई जाए सर, ठीक। नहीं तो हम लोगों का तो जीवन बर्बाद है। 20 साल से तो जो शुरू हुई थी सड़क बनना, इसके बाद फिर खत्म हो गई सड़क, 4 ही महीने चली गई। हम लोग क्या करेंगे, कैसे वाहन हम लोगों के निकलेंगे भाई जी? सर, ये भसने से गरौठा रोड बना था विगत 3-4 महीने पहले, जो पूरा पूर्णतः डैमेज हो चुका है। ग्रामवासियों का कहना है कि इसमें मटेरियल सही नहीं लगाया गया है, और वहाँ लगभग 14 गांव आते हैं, सभी लोगों को परेशानी, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस संबंध में इसके बारे में मुझे सूचना मिली थी कि कुछ जगह रोड डैमेज हो गया है, तो मैं पीडब्ल्यूडी से बात मेरी नहीं हो पाई है, और लिखा पढ़ी चल रही है इसमें। पीडब्ल्यूडी को प्रतिनिधि लिखा जाएगा इसमें कि जो अगर डैमेज हुई सड़क 2 महीने पहले, अगर 3 महीने पहले सड़क कोई बनती है, अगर उसमें किसी प्रकार का या
टूट फूट होती है या डैमेज होती है तो उसको फिर से पीडब्ल्यूडी और जो ठेकेदार है वो रिपेयर करेंगे उसका, और जो भी अगर नियमानुसार कार्रवाई करना होगा तो पीडब्ल्यूडी उसकी कार्रवाई भी करेगा। हम लोग उसको पत्र लिख के पीडब्ल्यूडी को अवगत करा देंगे और पूरी स्थिति से अवगत करा के इसका निस्तारण कराएंगे। आपका शुभ नाम क्या है? कहाँ के निवासी हैं? चंदपुरा। अच्छा, ये जो रोड बना है भसने से गरौठा तक लगभग 13 किलोमीटर का, ये कब बना था और क्या स्थिति है इसकी? मई में बना। तो वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है? तो पूरा उखड़ गया, एक टूट गिट्टी पड़ी थी ऊपर से डाल लिया, हल्का डामर लिया, उखड़ गया। क्या कारण रहे कि उखड़ गया? तो माल नहीं पड़ा उसमें, उसमें 2 करोड़ माल नहीं डाला गया, 65 MM का ही GSB है, खाली GSB डाल के उसको डामर कर दिया, काली मिट्टी डाल के उसको सिंचाई कर दी गई। तो इस रोड के संपर्क में कितने गाँव आते हैं? करीब 20 गाँव आते हैं। इन लोगों के लिए क्या क्या परेशानी होती होगी इससे? सबको परेशान, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, मोटरसाइकिल 2-3 घटना भी घट चुकी हैं एक्सीडेंट से। इस संबंध में कोई शिकायत की गई है क्या? अभी कोई शिकायत की थी, सेवा प्रधान ने की थी, कोई कार्यवाही हुई नहीं हुई है? कोई कार्यवाही नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? रोड अच्छा से डल जाए वो।